नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो आपके घर की शोभा को दोगुना कर देगा और वो है मोन्स्टेरा। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं मोन्स्टेरा के लिए एक परफेक्ट सॉइल मिक्स और कैसे करेंगे पुराने गमले से नए गमले में पौधे को रिपोर्ट, तथा साथ में आपको देंगे कुछ आसान केयर टिप्स जो आपके पौधे को हमेशा हेल्दी और खुश बनाए रखे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। मोन्स्टेरा एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए इसे एक ऐसी मिट्टी की जरूरत होती है जो वेल ड्रेन हो तथा साथ में नमी भी बनाए रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मोन्स्टेरा के लिए एक बहुत अच्छी सॉइल मिक्स कैसे बनाते हैं। आपको चाहिए गार्डन सॉइल 40%, इस तरीके से गार्डन सॉइल पौधे को बेस प्रदान करेगी तथा दोस्तों इसमें आवश्यक पोषक तत्व भी देगी। दूसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों कोकोपीट, ये हमें चाहिए 30%। कोकोपीट मिट्टी में नमी को बनाए रखता है तथा वाटर लॉगिंग से बचाता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों परलाइट, इसको लेना है 20%। ये मिट्टी को हल्की करता है तथा दोस्तों मिट्टी को एरेटेड बनाता है, जिससे पौधे की जड़ें जो है आसानी से ग्रोथ करें, बढ़ें और ओवर वाटरिंग के खतरे से भी बचाता है। चौथा इंग्रेडिएंट है दोस्तों हमारे पास बर्मी कंपोस्ट, या फिर आपको कंपोस्ट लेना है, इसको लेना है 10%। यह ऑर्गेनिक मटेरियल पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अब इन सभी चारों इंग्रेडिएंट को हम आपस में अच्छे ढंग से मिक्स कर देंगे ताकि टेक्सचर जो है वो सभी तरफ समान रहे। अब इसको चेक करके देखेंगे दोस्तों मुट्ठी बांध करके इस तरीके से, अगर ये मुट्ठी खोलने पर गिर जाती है तो बहुत बढ़िया सॉइल बनी हुई है। देखिए ये मिट्टी बनने के बाद ये देखिए गिर जा रही है इस तरीके से, तो हमारी ये सॉइल जो बनी हुई है वेल ड्रेन्ड है और नमी को भी होल्ड करेगी और ओवर वाटरिंग से भी बचाएगी। दोस्तों हमने पुराने गमले में से अपने इस मोन्स्टेरा के पौधे को देखिए निकाल लिया है, इसमें कुछ मिट्टी है, कुछ बाहर निकल गई है मिट्टी दोस्तों। अब हम जो है जो हमने मिट्टी बनाया था उसको हमने इस गमले में देखिए डाल दिया है। अब हम अपने इस पौधे को उठा करके इस गमले में डालेंगे और फिर जो हमें मिट्टी की आवश्यकता होगी तो उसको बना करके फिर इसमें भर देंगे। दोस्तों देखिए हमने अपने मोन्स्टेरा के पौधे को रिपोर्ट कर दिया है 14 इंच गमले में। आप लोग भी इसी तरीके से रिपोर्ट करेंगे तो आपका पौधा दिन दोनी रात चौगुनी ग्रोथ करेगा। अब हम दोस्तों इसमें पानी दे देते हैं इस तरह से, आपको पानी दे देना है। देखिए ये पानी डालते ही सब पानी अंदर चला गया, अर्थात हमारी मिट्टी वेल ड्रेन्ड है और बहुत ही अच्छी है, नमी को होल्ड करके भी रखेगी। अब आइए दोस्तों हम इसके कुछ आसान सी केयर टिप्स को जान लेते हैं। सबसे पहले वाटर से संबंधित केयर टिप्स है, आपको पौधे को हमेशा ओवर वाटरिंग से बचाना है। पौधे के गमले के ऊपर की मिट्टी जब 2 से 3 इंच तक सूख जाए तभी आप इसको पानी दें, नहीं तो अगर पानी इसमें होल्ड कर गया, ज़्यादा हो गया, तो दोस्तों आपके पौधे की जड़ें सड़ने लगेंगी। दूसरी केयर टिप दोस्तों लाइट से रिलेटेड है, इसको सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पे कदापि ना रखें। आप इसको जो है ब्राइट सनलाइट पसंद है, इसलिए ब्राइट सनलाइट में ही ज़्यादातर कोशिश करें कि ये पौधा रहे। अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया तो इसकी पत्तियां बर्न हो जाएंगी। टिप नंबर 3, यह दोस्तों ह्यूमिडिटी से कनेक्टेड है, यह हाई ह्यूमिडिटी चाहने वाला पौधा है। अगर आप गर्मी वाले स्थान पर रहते हैं तो दोस्तों आपको इसको प्रतिदिन शावर करना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी पसंद करता है। अगर आवश्यकता पड़े तो आप ह्यूमिडिटी फायर को भी इसके आसपास स्थापित कर सकते हैं। चौथी केयर टिप्स दोस्तों फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, आप गर्मियों और बसंत ऋतु में इसे लिक्विड फर्टिलाइजर डाइल्यूट करके हफ्ते में एक बार प्रोवाइड कर सकते हैं। पांचवी केयर टिप्स है दोस्तों आप इसकी पूर्णिंग समय अनुसार कर सकते हैं। यदि आपके पौधे की पत्ती डैमेज हो गई है तो आप उसको इस तरीके से काट देंगे, जैसे ये हमारी डैमेज है, देखिए पत्ती दोस्तों, हम इसको यहाँ से नीचे से काट देंगे इस तरीके से ये डैमेज पत्ती को काट देंगे आप नीचे, और इसी तरीके से बस पत्ती कोई या बड़ी कोई पत्ती हो गई है तो आप उसको भी काट सकते हैं।
तो टिप नंबर सिक्स में आपको करना यह है कि एक मोस स्टिक इस तरीके से बना लेंगे और इसको सहारा देने के लिए इस पे लगा देंगे, और अगर इसकी जड़ें जो है इस पे जब जाएंगी, अगर इस पे भी आप पानी देंगे तो वहां से भी ये पौधे जो है अपनी जड़ों के माध्यम से जो वातावरण में ह्यूमिडिटी है और आवश्यक पोषक तत्व है उन्हें भी ग्रहण करके अपनी पत्तियों को बड़ा करेगा, चमकीला करेगा और अच्छा करेगा। दोस्तों, मोन्स्टेरा प्लांट के बारे में जो मैंने यह जानकारी आपसे शेयर किया, यदि आपको यह अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।